नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि HPU BEd एंट्रेंस 2019 की फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। करना आपको कुछ भी नहीं है दोस्तों, कैफ़े के पास जाओगे आप, ऐसे ही उनको 100 रुपये 50 रुपये दोगे तो उससे बेटर है आपके 10 मिनट लगेंगे आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से जो है वो काउंसलिंग फॉर्म जो है भर जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन प्री एडमिशन। यहाँ पर लिखना है आपको ऑनलाइन HPU ऑनलाइन प्री एडमिशन लिखना है आपको, HPU ऑनलाइन प्री एडमिशन। इसको लिखने के बाद आपके सामने नीचे लिंक आ जाएगा, ये देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। तो देख सकते हैं आप, सर्च कर रहा है ये, नेट थोड़ा मुझे लगता है स्लो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बहुत ही आसानी से जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक फॉर्म भर चुका हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह का जो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा तो आपको सीधे नीचे जाना है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अंडर ग्रेजुएट का, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी है आपकी बीएड की भरते टाइम जो भी थी आपकी वो डाल देनी है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ, और पासवर्ड डाल देना है आपको। तो देख सकते हैं मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिए। अब व्हाट इज़ ये जो है आपको प्लस करने होते हैं, 13+22 दिया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके 25-35 हो जाएंगे ये, और लॉगिन कर देना आपको इसको। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लॉगिन आपकी आईडी हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी तो आपके सामने अभी ये भर चुका है तो तरह का जो है प्रोसीजर आएगा। तो आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस, इस पे कॉलम पे जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप होगा आपका फीस का, आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है और पेमेंट मोड नीचे एक ऑप्शन आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये शायद मैंने पेमेंट हो चुकी है इसकी, तो इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि आप कौन से बैंक से जो है पेमेंट करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक, ये दो बैंक आएंगे आपके पास। तो आपके जिस बैंक में जो अकाउंट होगा आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे जो है अप्लाई आगे कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप किस तरह से जो है पेमेंट करना चाहते हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या ब्रांच से पेमेंट करवाना चाहते हैं। तो नेट बैंकिंग से आपके 10 रुपये लगेंगे और अगर आप कार्ड से करते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो उससे आपका 1 पैसा भी नहीं लगेगा, और अगर आप बैंक से करवाते हैं तो वो आपसे 50 रुपये लेंगे। तो आपको अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट होने के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी और आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो होगा कॉलेज सिलेक्शन का। तो कॉलेज सिलेक्शन में दोस्तों आपको जिस कॉलेज में जो है सीट लेनी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये देख सकते हैं, ये शिमला और कांगड़ा, इसमें दो भरे हैं मैंने। तो आपने डिस्ट्रिक्ट डालनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने सीट लेनी है और कौन से कॉलेज में लेनी है वो कॉलेज के नाम डाल देने हैं। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपको
अपडेट करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आएगा आपका सेट कॉलेज प्रेफरेंस, और सेट कॉलेज प्रेफरेंस आएगा तो उसमें आपको डालना है कोड। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोड लेगा आपका 1 और 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन किसे चुनना चाहते हैं आप, कि फर्स्ट कॉलेज कौन सा आपका चॉइस का है, जैसे मैंने किया है कि शिमला में जो ये 1 नंबर पे रखा है तो इसका प्रेफरेंस कोड 1 है, और धर्मशाला जो है 2 पे रखा तो इसका प्रेफरेंस कोड 2 डाला। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। फिर आएगा आपका लास्ट ऑप्शन एप्लीकेशन समरी, तो इसमें जो है आपको दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। ये देख सकते हैं आपकी इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं आपकी काउंसलिंग भर चुकी है, यहाँ पर सीरियल नंबर, कॉलेज नेम और कॉलेज प्रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। तो आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे तो आपकी ये मोबाइल फ़ोन की PDF में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो इस तरह से दोस्तों आप कुल मिला के 10 मिनट में जो है आप अपना BEd का जो है काउंसलिंग फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही अगर आप साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो आपसे इसके 100 रुपये ले लेगा या 50 रुपये ले लेगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब खुद कर सकते हैं तो क्यों आप 100 या 50 रुपये साइबर कैफे को दें। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन। इस तरह आप अपना BEd का जो है काउंसलिंग भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।